हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे ही कि सभी बच्चों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं और नया सेशन शुरू हो गया है, तो नए सेशन के लिए चलिए नई तैयारी करते हैं। कुछ अच्छे से बुक मार्क्स बनाते हैं बच्चों को याद रखने के लिए कि कहाँ उन्होंने पढ़ाई छोड़ी है। तो कुछ वैरायटीज़ हैं बुक मार्क्स की, और ये जो है वन ऑफ माई सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था करने के लिए, ये वीडियो बनाने के लिए, तो उसी के लिए और आप सबके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाले के लिए मैंने एक आइसक्रीम स्टिक ली है, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए वो, और बहुत ही इजी है इस वाले बुकमार्क को बनाना। बस हमें एक होल करना है, होल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए जिससे कोई भी डोरी हम डालें वो आराम से चले जाए, और आप रख के होल करिए वरना टूट जाएगी आइसक्रीम स्टिक। अब इसे पेंट कर लेंगे, ब्लैक पेंट किया है, जौन सा पेंट आप चाहें वाला कलर करिए इसे। और अब जो है इसके ऊपर मैं वाइट कलर के पेन से लिखूँगी। तो मैंने जो ये फ्लावर्स लगाने हैं उसका आइडिया ले लिया है कितना एरिया वो कवर अप करेगा, और वाइट कलर के पेन से हमें जो भी मुझे लिखना है, कोई कोटेशन लिखना चाहें, कुछ भी लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं। वाइट पेन नहीं है तो नो वरीज, कलर से लिख दीजिए। आप किसी को गिफ्ट करने के लिए बना रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए, जो चाहे वो लिख सकते हैं आप। और अब जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वाला बहुत बड़ा लग रहा था पीस फ्लावर का, तो मैं ये छोटा वाला लिया है मैंने। हम इसकी भी हल्की सी कटिंग करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। आप कोई नग वगैरह चाहें वो भी लगा सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बुक के अंदर जाके थोड़ा सा उभार वो बुक को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इसलिए सब कुछ मैंने फ्लैट रूप में ही लगाया है। कुछ और लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब हम जो है एक 3D लाइनर ले लेंगे। आप वैसी नॉर्मल कलर लेना चाहें तो नॉर्मल कलर ले सकते हैं, और खाली जो हमारा ये ब्लैक एंड वाइट हो रहा है उसको थोड़ा सा कलरफुल टिंज देंगे। तो ये मैंने जो साइड्स के बॉर्डर है उस पर खाली हल्का सा फहरा दिया है जिससे कि सामने से देखने पे हल्का सा रेडिश टिंज जो है वो दिखाई दे। ज़्यादा कलरिंग मैंने नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी आइसक्रीम स्टिक जो है वो बहुत छोटी होती है, तो कितना उसके ऊपर करेंगे। रेड से थोड़ा सा फीका फीका सा अभी भी लुक में कुछ चमक नहीं आई है, तो एक मैं येलो और लेकर हल्का सा येलो और टिंज दूंगी इसके ऊपर। तो हमने ये येलो वाला भी ले लिया है, अपना येलो भी फिरा देंगे अच्छे से, बहुत ही जल्दी सूख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा ये दोनों कलर से एक कलरफुलनेस आ जाएगी हमारे इस आइसक्रीम स्टिक में, सॉरी बुकमार्क में। ये हमने डोरी लगा दी है एम्बेड करके, और ये हमारा जो बुकमार्क है वो बनके बिल्कुल रेडी है। कैसा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चले सेकंड बुकमार्क पे। इसके लिए मैंने एक OHP शीट ली है, थोड़ा सा थिक होती है इसलिए ली है इसे, और मैंने अपने टेरेस गार्डन से थोड़े से फूल पौधे लिए हैं। ये जो ग्रास ली है मैंने ये जल्दी से ड्राई अप नहीं होती है, फंगस नहीं लगती इस पर। और ये मैंने यूफोरिया के फ्लावर्स लिए हैं जो ऑलरेडी ड्राइड अप है, ये मैंने खुद से ड्राई नहीं किए हैं, ये पेड़ पे ही ड्राई हो गए थे, उन्हीं को मैंने पिक किया। बस इसे इस ग्रास के ऊपर मैं अच्छे से अपने तरीके से इसे लगा दूँगी जैसे भी चाहें आप। एक मोर की पंखी करके आता है इसी तरीके का प्लांट आता है, मैं तो मोर की पंखी बोलती थी उसे जो हम बुक्स में रखा करते थे, आप क्या बोलते हैं मुझे आइडिया नहीं है।
तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी जल्दी से सूखता नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा मॉइस्चर होता है उसमें, तो उसमें फंगस लगने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम अपने पौधे, हमारा जो पीस है ग्रास का, उसके अकॉर्डिंग OHP शीट काट लेंगे। आप अगर पतला बनाना चाहें तो पतला भी बना सकते हैं, मैंने थोड़ा सा चौड़ा बनाया इसे। और ये काट के अब इसके ऊपर हम अरेंजमेंट करेंगे, हमें कैसे अरेंज करना है अरेंज करके देख लेंगे अच्छे से। फ्लावर्स भी हमने इसके ऊपर अरेंज कर दिए हैं। अब ये मैंने ली है एक लैमिनेशन शीट ली है, इसका पूरा रोल आता है। अगर आपका पतला है तो आप चौड़ा वाला सेलो टेप भी ले सकते हैं। तो ये मैंने जो लैमिनेशन शीट है इसको अब इसके ऊपर प्लेस करूँगी। मैंने एक और बंदे की हेल्प ली है क्योंकि अकेले के बस का ये नहीं था। आपको तुरंत ही अच्छे से पेस्ट करते हुए विदाउट सिल्वर टेप ठीक से लगाना है। स्टिल मेरे में इतना करने के बाद भी हल्की फुल्की सिल जो है वो आ गई है, नो वरीज। बस अब इसे अच्छे से पेस्ट कर देंगे और जो भी सिल है वो कोशिश करेंगे वो निकल जाए। और अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा OHP शीट है और हमारी लैमिनेशन शीट है उसे मैं कट कर दूंगी। नहीं नहीं अभी पूरा तो बना नहीं है, थोड़ा सा और अभी फिनिशिंग बाकी है। तो बस अब हम इसको कट कर लेंगे, शेप दे लेंगे। तो ऊपर से मैंने राउंड ऑफ शेप दी है और नीचे से जो है हल्का सा ही कटिंग की है। जितना भी एक्स्ट्रा हमारी OHP शीट या फिर हमारा जो भी एक्स्ट्रा OHP शीट है या फिर लैमिनेशन शीट है उसे हमने हटा दिया है, होल कर लिया है और इसमें हमने रिबन एम्बेड कर दिया है। अब मैं जो है इसके ऊपर एक कोटेशन लिखूंगी, नीचे जो मैंने स्पेस छोड़ी है उसके लिए। तो कोटेशन आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखिए, बट मैंने बुक्स के ऊपर ही एक कोटेशन लिखने के लिए जगह छोड़ी थी तो वही मैं इसमें इंक्लूड करूंगी। हल्की सी गलती हो गई है, बुक्स आर लाइक फ्लावर्स था, मैंने फ्लावर्स बुक्स आर फ्लावर्स लिख दिया, बाद में मैंने करेक्शन भी कर लिया उसे। इसके ऊपर से हटाना बहुत इजी था। और अब हम ब्लैक मार्कर से ही बाउंड्री कर लेंगे इसकी, थोड़ा सा फिनिशिंग टच देने के लिए। हो सकता है आपको ऐसा अच्छा ना लग रहा हो, बट यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। चलते हैं हमारे नेक्स्ट बुकमार्क के लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा थिक मैंने वाइट शीट ली है और इसके ऊपर पेंसिल की हेल्प से मैं चौड़ा चौड़ा बुक्स लिख दूंगी। लेकिन बुक्स जो है वो हमें अलग अलग करके नहीं लिखना है, एक दूसरे से जॉइंट करके लिखना है। इस तरीके से लिखने के बाद अब हमारा जितना भी एक्स्ट्रा एरिया है उसे हम कटआउट कर देंगे। तो बाहर ऊपर नीचे का तो एरिया हमारा सीजर से ही हो जाएगा और जो बीच का एरिया है उसे ब्लेड की हेल्प से हम कट कर लेंगे। तो बुक्स जो है वो अलग से लिखा हुआ पता चलेगा जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा। आप इसके लिए शीट जो है वो थोड़ी सी थिक लेंगे जिससे कि बहुत हिले ना, मूव ना करे बहुत ज़्यादा। एक्स्ट्रा पार्ट आप चाहें तो रख सकते हैं, चाहें तो छोटा कर सकते हैं, चाहें तो पूरा कट कर सकते हैं। जैसा भी आपका मन हो उसे उस तरीके से आप मोल्डेड कर सकते हैं। करने के बाद अब हम इसके ऊपर से जितनी भी हमारी पेंसिल की मार्किंग्स हैं वो सारी की सारी हम हटा देंगे।
जिससे कि हम कोई सा भी कलर करें वो भर के आए, कलर नहीं भी करें कोई वैसी टेक्सचर दें जो भी आप करें तो पेंसिल की मार्किंग्स उसके ऊपर ना दिखे। लेकिन मैंने जो है इसे कलर किया है वो ब्लैक कलर में किया है। ये हमारा कलर करके तैयार हो गया है। अब मैंने वाइट कलर का ही पेन लिया है अपना और इसकी बाउंड्री कर देंगे हम अच्छे से। बिना बाउंड्री के कहाँ मज़ा आता है किसी भी चीज़ में, थोड़ा सा रौनक लग जाता है। बस बाउंड्री होने के बाद आप डूडलिंग करिए, आप मेहंदी के डिज़ाइंस बनाइए या आप मांडला बनाइए, जो आपका मन है वैसे करिए। मुझे जो समझ में आया जैसे समझ में आया वैसे डिज़ाइंस मैंने बना दिए हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये डिज़ाइंस जो हैं वो किस कैसे लगे, अच्छे लगे, ठीक लगे, बहुत अच्छे लगे या फिर बुरे लगे। रैंडम डिज़ाइंस है, कुछ भी मैंने सोच समझ के नहीं बनाया है। तो आप कोई और कलर करना चाहें, किसी और कलर से डिज़ाइन बनाना चाहें, डॉट आर्ट करना चाहें, शेडिंग करके कलर करना चाहें, जैसे आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं इसे। ये करने के बाद बीच में होल करके हमने बी की तरफ और वहाँ पे भी हमने रिबन जो है अटैच कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसके लिए मैंने एक पॉली ली है। ये पॉली जो है शायद उतना अच्छा डिसीजन नहीं था लेना क्योंकि थोड़ी सी मुसी हुई है। पहले मैंने इसे OHP शीट से ट्राई किया था लेकिन OHP शीट जो है वो एक दूसरे से पेस्ट नहीं हो रही थी, तो इसलिए मैंने ये ली है। और अच्छी पॉलीथीन लीजिए जो मुसी ना हो और एकदम ट्रांसपेरेंट हो। थोड़ा थोड़ा अपनी गलतियाँ भी मैं बताऊँगी जिससे आप उससे सीख लें। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉलीथीन को एक साइड से तो ऑलरेडी अटैच है, दो साइड से हम इसे फिक्स कर लेंगे। और अब हमने इसके आसपास पेपर लगा लिया है और हम एक लेंगे हेयर स्ट्रेटनर और हेयर स्ट्रेटनर को हल्का सा लगा के इसे हम सील कर देंगे। आप पेपर ज़रूर रखिए वरना पॉलीथीन जो है हेयर स्ट्रेटनर पे आपके चिपक जाएगी। हेयर स्ट्रेटनर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाकू गर्म करिए और एक लाइन मार दीजिए काटते हुए, तो उससे क्या है कि वो पेस्ट भी हो जाएगा और आपका ऑलरेडी कट भी हो जाएगा, आपको अलग से सीजर से कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से सील करके मैंने एक पॉलीसी बना ली है। आप अगर चौड़ा है तो आप चाहें तो लॉक वाली पन्नी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जो है ये पॉलीथीन हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक मैंने रेड कलर की शीट ली है, जो कलर चाहे आप वो ले सकते हैं। तो जितना बड़ा हमारा पाउच बना है उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा का हम दो पीसेस शीट के काट लेंगे। 1 सेंटीमीटर दोनों साइड से बड़ा होना चाहिए, ऊपर से थोड़ा और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए 2 सेंटीमीटर के करीब का। और ऐसे करके हमें सेम लेंथ विड्थ की दो शीट्स कट करनी है, दो पीसेस कट करना है। ये हमने कट कर लिया है। एक शीट पे जो है वो पॉलीथीन के हिसाब से निशान लगा लिया है 1-1 सेंटीमीटर छोड़ के, लेकिन जो हमें अंदर से कट करना है वो हमें 1.5 सेंटीमीटर छोड़ के कट करना है। इस पॉलीथीन में हम भर लेंगे अपनी प्यारी प्यारी ग्लिटर, जो भी कलर आपको पसंद आए। ये मैंने कंट्रास्ट में लिया है क्योंकि रेड के ऊपर थोड़ा सा गोल्डन जो है ज़्यादा उभर के आता है। तो ग्लिटर मैंने 2 या 3 वैरायटी की भरी है, एक ज़्यादा बारीक वाली, एकदम डस्ट ना भरे, डस्ट बिल्कुल चिपक जाएगी, मूव नहीं करेगी। और ये लगा के देख लिया है कि कितनी ग्लिटर मेरे को चाहिएगी।
अब हमने जो मार्किंग की थी उन्हें कट कर रहे हैं हम। 1.5 सेंटीमीटर की मार्किंग्स को हम कट करेंगे, यानी कि पॉलीथीन से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा हमारा ये पीस, जिससे कि पॉलीथीन जो है हम अच्छे से उसके ऊपर पेस्ट कर सकें। आगे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऊपर 2 सेंटीमीटर की मार्किंग है और ये पीस जो है हमने कट करके रिमूव कर दिया है बीच में से। नीचे मैंने एरिया एक्स्ट्रा छोड़ी है जिससे कि वही मैं कोटेशन लिख सकूँ। मुझे बुकमार्क्स पे कोटेशन लिखना बहुत पसंद है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, एक न्यू ईयर पे मैंने बनाई है, एक क्रिसमस पे बनाई है, अधिकतर सभी पे मैंने कोटेशन लिखी है। और जो पॉलीथीन है हमारी, वो पॉलीथीन को इसके ऊपर रख, अब हम ये जो तीनों पीसेज है हमारे उसे असेंबल कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा ग्लिटर कम लग रहा था तो थोड़े से वाइट तारे भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, जो कि गोल्डन के साथ मूव करके बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बस कुछ भी चीज़ उभार वाली नहीं डालेंगे आप, जो कि ज़्यादा बुक पे पता चले, बाकी आप कुछ भी चीज़ डाल सकते हैं। ये ग्लिटर भी मैंने थोड़ी सी और डाली है, ये थोड़ी सी कम बारीक है, डस्ट नहीं है ये। और अब हम लेंगे हमारा सुपर ग्लू, जैसे कि मेरे बच्चे बोलते हैं, और सुपर ग्लू से हम सारी पॉलीथीन जितनी भी साइड्स हैं और पेपर को भी पॉलीथीन से पेस्ट कर देंगे। उसके आसपास मैं लगाऊंगी फेविकोल, और फेविकोल से इन दोनों पीसेस को बहुत ही अच्छे से हम चिपका लेंगे। ये देखिए, अब ये जो मैंने इससे पिछले हॉल में आपको दिखाया था, इट्सी बिट्सी से मंगवाया हुआ है, इस्तेमाल तो मुझे करना ही था इसे। आप इसकी जगह स्टिकर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर खुद की ड्राइंग भी बना सकते हैं। तो ये मैंने 2 पीसेज इसके निकाल लिए हैं, इन्हें अच्छे से कट करके इसे स्टिकर्स की तरह मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये कट करने के बाद हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। छोटा वाला पीस मैंने नीचे करा है जिससे कि हमें जगह मिल जाए हमारी कोटेशन लिखने के लिए, और बड़ा वाला पीस जो है हमने ऊपर करेंगे, वो थोड़ा सा रौनक बढ़ाएगा हमारे पीस की। और ये अब हम करेंगे आउटलाइनिंग। विदाउट आउटलाइनिंग किसी भी चीज़ में कोई मज़ा नहीं है। तो कंट्रास्ट का कलर लेंगे, ब्लैक कलर से, गोल्डन कलर से हम इसकी आउटलाइनिंग कर लेंगे। ये मैंने डॉम्स के मेटालिक पेंस जो हैं वो यूज़ किए हैं। इसका रिव्यू की भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं आप चाहें तो। और ये हमने लिख दी कोटेशन। कोटेशन हम लिख रहे हैं स्पार्कल पेन से, और उसके ऊपर हल्का सा हम चलाएंगे एक ब्लैक कलर का मार्कर। उससे ये हो जाता है, ब्लैक कलर से हल्का सा पता लगने लग जाता है हमने क्या लिखा है, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। और ये बुक मार्क है वो हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। बीच में होल करेंगे इसमें हम, और उसके अंदर से डालेंगे हम एक रिबन। आपको मेरा बुक सबसे अच्छा कौन सा वाला बुकमार्क लगा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी। आप अगर मेरी वीडियो लाइक कर देते हैं तो उससे मेरे को कोई भी पैसे या व्यूज़ नहीं मिलते, बस थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई DIY के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर।